नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सबसे बोलते हैं कि हम जिस भी किसी बाइक का रिव्यू करते हैं उसके जितने कलर ऑप्शन आते हैं वो सारे कलर ऑप्शन एक एक करके वीडियो के जरिए आप लोग को देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे डिसाइड कर पाए, अपने फेवरेट कलर को सेलेक्ट कर पाए। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 की न्यू यमहा FZX BS6 मॉडल का मैट ब्लैक कलर, जो की अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ब्लैक कलर की बाइक पसंद है, मैट ब्लैक कलर की बाइक पसंद है, तो आई एम श्योर ये जो कलर है आप तो काफी पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में यमहा की तरफ से इस बाइक में आपको कुछ नए अपडेट देखने को मिल जाते हैं, कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी जो प्राइस है ना पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ फीचर्स भाई इस बाइक में आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलता है। तो उन्हीं सारे अपडेट के बारे में, उन्हीं सारे नए फीचर्स के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी जो एक्सोन प्राइस चल रही है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आप लोगों को कंप्लीट कितना देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग 2022 में न्यू यमहा FZX BS6 मॉडल का कोई भी कलर ऑप्शन लेने जाते हैं, तो आप लोगों को जो कंप्लीट प्राइस पड़ेगी वो आप लोगों को कितना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में न्यू यमहा FZX BS6 मॉडल लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक में आपको क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसकी एक्सोन प्राइस क्या चल रही, इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, इसके लुक के बारे में। तो लुक्स वाइज इस बाइक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन लुक देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें आपको वही तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है मैट ब्लैक कलर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा इसमें आपको दो कलर ऑप्शन और मिलते हैं, जिसमें से पहला है मेटालिक ब्लू कलर, दूसरा है मैट कॉपर कलर। तो दोस्तों, इसका जो मैट कॉपर कलर है ना, उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो अगर आप लोग को उस कलर ऑप्शन की वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैट ब्लैक कलर है ना, ये आप लोग को कैसी लग रही नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, यानी कि सबसे पहले चेंज के बारे में, तो दोस्तों, अब इसकी जो सबसे पहली चेंज हुई है ना, इसमें आपको इसकी जो प्राइस है ना पहले से 2 से 3 हजार रुपए बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस के बारे में। तो इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,27,800 रुपए, यानी कि 1,27,800 एक्सोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,48,000 टू 1,50,000 के बीच में, यानी कि 1,48,000 से 1,50,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, ये मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया, जिससे कि आप लोग अपना एक बजट सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है, तो वीडियो को स्टार्टिंग में आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से आएंगे तो डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 41mm का फोर्क देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी साइज है 282mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, इसमें आपको पहले भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता था, अभी भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, तो इसमें आपको रियर में आपको ABS का चैन देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वो आपको काफी चौड़ा टायर लगाया गया है, जो कि है 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा अलावल के साथ। तो दोस्तों, इसके फ्रंट सेक्शन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक है ना, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको ओल्ड वाला लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वही आपको 10W का बल्ब इंडिकेटर मिलता है, इसमें आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये हार्ड फाइबर्स बनाए गए, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसके इंडिकेटर में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, राउंड शेप में आप देख सकते हैं LED DRL देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ बीच में आप देखिए, इसमें आपको BI फंक्शनल LED हेडलैम्प देखने को मिलती है, जो कि हम लोग प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो रोशनी है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इस बाइक को नाइट में राइड करते हैं ना, तो इसके हेडलैम्प की रोशनी को लेकर पहले भी आप लोग को कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के साइड से लुक के बारे में, साइड प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये इसका मैट ब्लैक कलर है, तो इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, काफी प्यारा लगता है देखने में। तो अगर आप लोग को मैट ब्लैक कलर की बाइक पसंद है, तो आप लोग को इसका लुक काफी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग को कैसा लग रहा है इसका लुक साइड से, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
रहिएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं लोड इनको स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो स्विचेस क्वालिटी है ना आपको पहले वाली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके स्विचेस क्वालिटी को लेकर आपको पहले भी कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलती थी। और यहाँ पे देखिए इसका जो साइड मिरर मिलेगा वही आपको डेली के मोटर बाइक वाला देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई स्पोर्टी लुक देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मिलता है, इसमें आपको किक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं उनकी बात करें तो इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, क्लॉक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, फोन स्मार्ट कनेक्शन देखने को मिल जाती है, इको इंडिकेटर मिल जाता है, SMS कॉल अलर्ट सिस्टम मिल जाता है, लास्ट पार्किंग लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो इसके मीटर कंसोल में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ना वो काफी एडवांस मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस बाइक के सबसे बेहतरीन अपडेट के बारे में जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे देखिए मीटर कंसोल के नीचे आप देख सकते हैं एक होल्डर लगाया गया है। जैसे मैंने इसके कैप को ओपन किया था तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग बाइक को चलाते हुए अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको पहले की तरह काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देख सकते हैं सिल्वर कलर में आप देख सकते हैं FZX का 3D एम्बर लोगो देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना इस लोगो की वजह से थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 10 लीटर की। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको इंजन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको 149 cc का एयर कूल 4-स्टॉक 2-वाल्व BS6 इंजन देखने को मिलेगी। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो भी आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि है 12.4 PS का 7,250 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 13.3 Nm का 5,500 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है, FI सिस्टम मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इंजन को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ इसके साइड से लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बना देता है। तो दोस्तों इसमें आपको FI सिस्टम मिल जाता है, तो इसकी वजह से आपको जो इंजन है ना वो और भी ज्यादा रिफाइन हो जाता है। तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो लगभग आप मान के चलिए 40-45 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे मेन अपडेट के बारे में, जो कि इसके साइड स्टैंड में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसके साइड स्टैंड में आप देख सकते हैं एक वायर लगाया गया है, जो कि इसका साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम है। तो इसका यूज क्या होता है आपको बता देते हैं। इसका यूज आप लोगों को पता होगा, इसका यूज ये होता है कि अगर आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाए हैं तो आपकी जो बाइक है ना वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिल रहा है 2022 के लगभग सभी बाइकों में। दोस्तों यही एक बड़ा चेंज किया गया है इसके 2022 मॉडल में। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं यमहा की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सीट मिलता है ना आपको काफी बेहतरीन सीट देखने को मिलेगी। इसका जो सीट का कुशनिंग है ना वो पहले से थोड़ा सा और बेटर हो चुका है, इसमें आपको डुअल टोन वाली सीट देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसकी जो कुशनिंग है ना आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो इसके राइडिंग के टाइम पे आपको जो इसमें आपको कंफर्ट मिलने वाला है ना इसको लेके आपको पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो पिलियन ग्रेविल देखने को मिलेगा वही सेम आपको पाइप वाली ग्रेविल मिलती है, जो कि सिंपल ग्रेविल लगाई गई है, जो कि पहले भी आपको देखने को मिल जाती थी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के पिलियन से। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटर्स मिल जाता है, इसमें आपको लेडी फुटर्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लोग इसमें चाहेंगे तो मॉडिफिकेशन के थ्रू लेडी फुटर्स लगवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो चैन मिलेगा आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इसमें आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के पिलियन से। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक है ना इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी, वही सेम आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिल जाती थी। तो दोस्तों इसका जो लाइट है ना काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में देखते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2022 मॉडल है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं 7/4/2022 का इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि ये 2021 मॉडल नहीं, ये 2022 मॉडल है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस बाइक के रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी साइज है 220 mm का, यानी कि रियर और फ्रंट दोनों में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी ना आपको काफी बेहतरीन
चेन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर मिलता है वो आपको काफ़ी चौड़ा टायर लगाया गया है, जो कि है 140/60 का 17 इंच का रेडियल का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको रेडियल का ट्यूबलेस टायर लगाया गया जो कि रेसिंग ट्रैक के लिए ग्रिपिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। तो इस बाइक में आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी रोड पर आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 7-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के एग्जॉस्ट के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सुना दिया, तो आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2020 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1115 mm का। इस बाइक का जो सीट हाइट मिलेगा वॉक मिलता है 810 mm का। इसका जो वीबीएस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1330 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 165 mm का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। इस बाइक का जो वेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 139 kg की ये बाइक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है जो कि है 10 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसमें आपको 2022 में आपको क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस बाइक में आपको कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ दो चेंज मिलते हैं कि इसकी जो पहले प्राइस जो है ना पहले से थोड़ा सा 2,000 से 3,000 रुपए बढ़ चुकी है। दूसरा इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही दो चेंज इसके 2022 मॉडल में देखने को मिलते हैं, बाकी बाइक पहले की तरह है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये मैट ब्लैक कलर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हल्के दाने की हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।